बना रहे हो अम्मी? मैं चिकन पुलाव बना रही हूँ, अखनी पुलाव मुरादाबादी। अखनी पुलाव मुरादाबादी, हाँ। तो अभी हम ये चिकन धोएंगे, इसकी अखनी बनाने रखेंगे। ओके। और ये हमने अभी ये हमारा अदरक और लहसुन हमने तैयार किया है, इसका पेस्ट बनाना है। ओके। ये हमारा कांदा है, बराबर हमें 1.5 किलो बनाना है। बराबर। हमने इतना कांदा लिया है, आधा किलो। तो ये 10 लोगों के लिए बनाना बना लोगे? हाँ, हम बना लेंगे 10 किलो। साहब मैं अभी जस्ट नीचे उतर गया हूँ। मम्मी आपने देखा होगा ऊपर, मम्मी जो है पुलाव बना रहे हैं, अखनी पुलाव जो हमारे घर पे बनता है। मोस्टली ईद में तो बिरयानी बनती है, बट देन हमारा फेवरेट है अखनी पुलाव। जहाँ हम हमारा विलेज, मम्मी ने बोल दिया है मुरादाबाद से। जी हाँ, मैं मुरादाबाद से ही हूँ, मेरे घर वाले, मैं मतलब पैदा तो यहीं हुआ हूँ मुंबई में। ऑलराइट। वैसे तो मेरी नींद पूरी हुई नहीं है, क्योंकि कल रात में मतलब मैं थक गया था, लेट आया और नींद भी नहीं आ रही थी। पता नहीं सुबह 4-5 बजे सोया हूँ मैं, बट देन अलार्म लगाना पड़ा, क्योंकि हम जा रहे हैं आज सारे हाइड्रा मेंबर्स को बाय बाय बोलने के लिए। ठीक है, बहुत ही एक्साइटेड है मैं, पहली बार बहुत लोगों को मिल रहा हूँ एक्चुअली। खाली उसमें से हम एम्परर को और हमारे जो है ज्यूस भाई, उनको ही मिला हूँ, बाकी किसी को नहीं मिला हूँ। तो भाई अलग ही मतलब माहौल रहेगा, सब हाइड्रा वाले रहेंगे। तो उनके लिए मम्मी बना रहे हैं पुलाव, और उनको नहीं पता है तो सरप्राइज देंगे छोटा बाय बाय। देखो भाई तो है अपने, ठीक है, एक अनाउंसमेंट भी देनी है एंड ऑफ द व्लॉग, वो मिस मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है आज की मेरी। ठीक है, है बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो लेट्स गो। मैं लेके आता हूँ यार एमपी का वो बैग, और उसके बाद फिर बहुत कुछ लेना है मुझे भी, सामान ले लेते हैं। ठीक है, ये क्या बना है? मैं अभी गया था नीचे और ऊपर आया, ये क्या बन गया? ये अभी हमारी ये कांदा फ्राई हुआ है। ओके। और ये हमने चिकन को ये किया है, अखनी बनाई है। ओके। ये मिर्ची फ्राई काट के रखी है। ये हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट है। okay. अब हम स्टार्ट करेंगे ये फिर से बनाना। ओके okay, बड़े तो दिल से बना रहे हो जी। बस अभी आप आइए, 5 मिनट के बाद फिर हम आपको बताते हैं। मैं नहाने जा रहा हूँ, जब तक रेडी हो जाए। चलो मैं नहाने जाता हूँ, मम्मी तब तक बना रहे हैं। बना लो बना लो। बज गए 4:15 और वेट हो रहा है, कैब बुक कर ली ऑलरेडी और सब कुछ पैक हो चुका है, इसमें फ्रूट्स वगैरह। उसमें मस्त पुलाव बनाए, मेरा मन तो कर रहा है खाने का, बट देन यार अभी लेट हो गया है। उनकी ट्रेन जो है वो आई गेस 5:45 की है, और मुझे पहुंचना है 1 घंटे में। सो ऑल मतलब एग्जैक्ट टाइम है मेरे पास, समझ रहे हो। सो फटफट, अब कैब कब आएगी पता नहीं, हम तो वेट ही कर रहे हैं। सो कैब आ चुकी है भाई। कहाँ थे तुम, इतना घुमा दिए यार। अच्छा चलो, ओटीपी दे दो ना मैं आपको। आ गया ओटीपी? हाँ, मुंबई सेंट्रल ले लो यार, और जल्दी पहुंचाना, थोड़ा ट्रेन मिस हो जाएगी भाई, वरना हमारे भाई लोग खड़े हुए वहां पर। ट्रैफिक था क्या आने में? बहुत था। अरे बाप रे, 1 घंटा दिखा रहा ना, पहुंचा दो भाई 50 मिनट में, पहुंचा दो। देखते हैं भाई 50 मिनट में पहुंचाते हैं क्या नहीं। काफी गर्मी हो गई है एंड हम लोग अभी निकल चुके हैं मुंबई सेंट्रल की तरफ। ज्यादा मैं शूट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि भाई मेरा जो ये वाला फोन है ये हो चुका है फुल। सो मैं न्यू फोन लूंगा शायद, उसमें अपन या तो कैमरा ही लेने वाले हैं इस बार, उसमें बराबर से शूट होगा। तो कोई भी ऐसा सिनेमैटिक ये सब मूवी हुई बस एक्सपेक्ट करना इसमें, नॉर्मल छोटा सा व्लॉग है। अनाउंसमेंट भी देनी है आपको कि एक अनाउंसमेंट है, तो वीडियो देख के रहो, वो आपको मैं जैसी उनसे मिलूंगा उसके बाद मैं आपको अनाउंस करने वाला हूँ कुछ। सो स्टे ट्यून्ड। अगर हम भाई कुछ बोल गए एम्परर चला जाएगा हमारा भाई अभी, और देखते हैं यार। चलो वहीं मिलते हैं, वैसे भी अगर वहाँ मतलब मेमोरी खत्म हो गई मेरी, वहाँ शूट नहीं कर पाऊंगा। ऑलराइट, तो अभी तो वर्ली सीलिंग क्रॉस किया है हम लोगों ने एंड 20 मिनट और बता रहा है टाइम, ना देख सकते हो कितना हो गया यार।
20 मिनट बोले तो काफ़ी लेट हो चुका है। आई गेस राजधानी एक्सप्रेस होती है 5:45 की होती है मोस्टली, तो पता नहीं क्या है वहाँ पर। प्लेटफॉर्म टिकट वगैरह भी लेना है, काफ़ी टाइम है और हाथ में सामान भी वगैरह है, वहीं चल के देख। स्टेशन तो पहुँच गया था मैं, लेकिन यार एम्पर का बीच में कॉल आया और ट्रेन जो है वो चली गई भाई। सो अब तो यार क्या ही बोलूँ यार, बहुत सैड फील हो रहा है। मिलना था भाई से, मिली नहीं यार ट्रेन, क्या बोलूँ अभी, वो भी सैड हो गया वाले यार। तुमसे लास्ट बार मिलना था और सबको ही मिलना था, हाइड्रा फैमिली से गुड बाय बोलना था मुझे सबको, क्योंकि यार एक क्या बोलूँ यार, आपको पता है कि बेबी होने वाला है। चलो टैक्सी में बैठ के बताता हूँ आगे की। थक गया यार, बहुत भागा साला ट्रेन के पीछे, लेकिन नहीं मिली, क्या बोलूँ, नसीब में जब नहीं लिखा होता तो नहीं होता है। नो प्रॉब्लम, अब ये खाना बिरयानी हम खा लेंगे। तो भाई ट्रेन तो हो गई है हमारी मिस, अब क्या बोले, जो नसीब में होता है वही होता है भाई। और बहुत कंफ्यूजन हो गया एक्चुअली, पहले एमपी ने बोला कि मैं आ रहा हूँ, ठीक है आपको पिक करूँगा, उसके बाद थोड़ी देर बाद भाई ने बोले कि आप आ जाओ, बट मैं पहुँच गया था ऑलमोस्ट, बट ट्रैफिक यार 5 मिनट की वजह से हम जो है हमारी ट्रेन मिस हो गई और वो लोग चले गए। फिर उसके बाद अगर मैं बोरीवली, एक उनका स्टॉप था वहाँ भी जाता तो और 1.5 घंटा लगता था इसलिए, बट नहीं हो ही नहीं पाता था। तो फिर अब नेक्स्ट टाइम ही मिलना होगा यार, मेरे को बहुत अच्छा मतलब लगता जब सबसे मिलता, सबको गुड बाय बोलता, और ऐसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा गुड बाय हाइड्रा फैमिली, यस ये मतलब ऐसा नहीं कि आ गया कि हम मिलेंगे, हम फिर से मिलेंगे, बट कुछ होता है ना, एक यार डिसीजन लेने पड़ते हैं लाइफ में। सो काफ़ी लोग यही चाहते थे कि मैं हाइड्रा में जाऊँ, हाइड्रा में जाऊँ, हाइड्रा, मुझे भी हाइड्रा में जाना है यार, ऐसा कोई इशू नहीं है, मुझे भी जाना ही था, बट आपको पता है 2 महीने बाद लाइक बेबी हो जाएगा और फिर काफ़ी जिम्मेदारी है, मुझे इधर ही रहना है। मैंने काफ़ी सोच समझ के ये डिसीजन लिया है, घर वालों से पूछ के लिया है और उनसे भी बात करी कि भाई दिल्ली तो मेरा नहीं आना हो पाएगा यार, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा अप एंड डाउन, तो इस ये रीज़न है कि मैं ज्वाइन नहीं कर पाऊँगा हाइड्रा सैडली, बट यस फैक्ट है यार, टफ डिसीजन था मेरी लाइफ का। मैं बहुत सोचा, मैंने बहुत 1-2 हफ्ता लिया, बहुत घर वालों को मनाया, घर वालों को सोचा, फिर बाद में अपने आप से भी पूछा यार, फिर मैं बोला हाँ यार फैमिली है, बच्चा हो जाएगा, बाप बन जाएंगे तो देखना पड़ता ना भैया लोगों को भी, तो इसलिए मैं नहीं जा पाया वहाँ पर। और रही बात इन फ्यूचर की, देखते हैं यार कुछ और अच्छा करते हैं, कुछ होगा जो भी होगा अच्छा होगा, ठीक है। और मेरा यही है कि ऑल द बेस्ट हाइड्रा फैमिली, आप एक नंबर, ऑल द बेस्ट टू ईच एंड एवरीवन, ख्याल रखो। और हाइड्रा भाई आपके बूट कैंप जरूर आऊँगा, मैं ज़रूर आऊँगा हाइड्रा के बूट कैंप, मतलब अभी तो नहीं आ पाऊँगा, 3-4 महीने बाद जब बेबी हो जाएगा, जब सब कुछ सही हो जाएगा घर में, तो मैं मिलने ज़रूर आऊँगा, ठीक है। और चलो फिर बाय बाय, यहीं से ब्लॉग एंड करते हैं, मैं जा रहा हूँ घर, घर पर आके अब जो बची हुई बिरयानी हम सब खा लेंगे, ठीक है। एम पी बोलता आप खाओ हमारी बिरयानी, नेक्स्ट टाइम उनको खिलाएंगे यार दिल्ली जाके। सी यू, बाय बाय, आई होप आपको वीडियो में कुछ था भी नहीं यार, बट ये अनाउंसमेंट देनी थी, बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट है मेरी तो ये यार, एकदम सैड हो रहा हूँ मैं। कोई बात नहीं, ठीक है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, हमेशा याद रखना जो होता है लाइफ में वो अच्छे के लिए होता है, ठीक है। हुआ ये ट्रेन में शायद अभी नहीं मिलना है, और अच्छे तरीके से मिलना लिखा ऊपर वाले ने, है ना, तब मिलेंगे अपन। बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल।